बेचने वाले और चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने वालों पर कार्रवाई करने को लेकर उपखंड अधिकारी जिला कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। डिडवाना जन अधिकार सेना सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने चाइनीज मांझा की बिक्री पर चाइनीज मांझा से पतंग उड़ाने वाले को लेकर कार्रवाई को लेकर उपखंड अधिकारी जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन जीतू कुल्हरी को सौंपा, जिसमें बताया गया कि जैसा कि आपको ज्ञात है कि अभी से लेकर मनकर संक्रांति तक पतंगबाजी होती रहती है, जिसके अंदर चाइनीज मांझा से लोग पतंग उड़ाते हैं और वही व्यापारी लोग भी चाइनीज मांझे को खुलेआम बेच रहे हैं अपने घरों के अंदर, अपने दुकानों के अंदर, अपने गोडाउन के अंदर, अपने रिश्तेदारों के घरों के अंदर रखकर। इस चाइनीज मांझे से कई जाने तो जा चुकी है, कई लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक इसको लेकर प्रशासन की ओर से कोई कठोर कदम नहीं उठाए गए हैं, न ही किसी दुकान का निरीक्षण करके चाइनीज मांझा जब्त किया गया है और न ही चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने वालों को किसी को गिरफ्तार किया गया है। आपसे निवेदन है कि इसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, अन्यथा हमारे संगठन द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा, उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आप महोदय की होगी। अगर किसी की जान जाती है, कोई गंभीर रूप से घायल होता है, तो उसकी भी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि चाइनीज मांझा इतना खतरनाक है कि बाइक पर चलने वाले, पैदल चलने वाले, अपने घर की छत पर खड़े रहने वाले आती डोर कभी भी हानि पहुंचा सकती है। इससे हर समय घायल होने का और मरने का खतरा रहता है। हाल हो चुके हैं, चाइनीज डोर से एक्सीडेंट हो चुके हैं, लोगों को घर से बाहर निकलने में डर लगता है कि कहीं चाइनीज में कई बाइक वाले घायल मांझा से दुर्घटना ना हो जाए। चाइनीज मांझा बेचने वाले, चाइनीज मांझा से पतंग उड़ाने वालों को ऊपर देशद्रोह, लोगों के जान से खेलने का मुकदमा दर्ज किया जाए और उचित कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने वालों में प्रदेश प्रभारी हरी सिंह चौहान, जिला प्रभारी मनीष कुमार सैनी, संभाग प्रभारी राम प्रसाद सेन, तहसील प्रभारी मुकेश प्रजापति, मधुसूदन शर्मा, समाजसेवी पवन कुमार शर्मा आदि कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। जी, आपने ज्ञापन दिया है, किस विषय को लेकर दिया है? आज ही जो ज्ञापन दिया गया है, चाइनीज मांझे को लेकर दिया गया है। शहर में अनेकों जगह जो मांझे की दुकान वाले हैं, वो चाइनीज मांझा धरातल बेच रहे हैं। हमने इस संबंध में आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि चाइनीज मांझे का जो पहचान है वो बंद किया जाए। इससे कई मतलब जीव हत्याएँ, कई पशु पक्षियों सहित कई मतलब यात्री जो राहगीर होते हैं उनको भी नुकसान होता है। और इस दौरान सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कोई भी गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, क्योंकि उनको भी मतलब काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है इस चीज़ से।